हे गाइस, कैसे आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज जो है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूं। बेसिकली क्योंकि हमारा ये जो पूरा चैनल है, ये पूरा ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही कंटेंट जो है इसके ऊपर रहता है, तो वेबसाइट डिजाइनिंग जो है ये एक इसका बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्सा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक और नई वेब सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको पूरा वेब डिजाइनिंग जो है वो सिखाने वाला हूं। तो वेब डिजाइनिंग में हम जो है यहां पर इस पूरे कोर्स के अंदर, जो कि आपका जो है करीब 3 महीने का रहेगा, 3 महीने के अंदर जो हम कवरअप करेंगे, तो जिसमें जो है आपको बिल्कुल अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप जो है बहुत आराम से जो है ये पूरा कोर्स देखने के बाद बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब डिजाइनिंग में आप क्या क्या कर पाएंगे, अगर आप जो है जैसे कि बहुत सारी वायरल स्क्रिप्ट, जो विशिंग स्क्रिप्ट वगैरह हैं वो काफी ज्यादा चलती हैं, तो अगर वैसी कोई स्क्रिप्ट आप डिजाइन करना चाहते हो तो आप वैसी स्क्रिप्ट डिजाइन करना सीख सकते हो बहुत आसानी से। और जो है अगर आप कोई अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हो, जैसे कि अभी वर्डप्रेस पे जो है हमें एक चैलेंज यहां पे देखने को मिलता है कि वर्डप्रेस में अगर हम कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस एक बहुत ही हैवी थीम है, राइट, तो वहां पे हमें एक होस्टिंग भी जो है बहुत ही अच्छी लेनी पड़ती है, और ऐसे में हमारा थोड़ा सा एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि बजट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। लेकिन हर किसी का बजट उतना ज्यादा नहीं होता है, वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, तो बेसिक लेवल से और बहुत ही रेस्पॉन्सिव और बहुत ही खूबसूरत तरीके की जो वेबसाइट है आप खुद डिजाइन कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से, जो कि मैं आपको इस पूरे कोर्स के दौरान सिखाने वाला हूं। तो यहां पर जो है मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट, फिर आपको CSS, HTML5 एंड Bootstrap, इन 4 चीजों का इस्तेमाल करके जो है पूरी वेब डिजाइनिंग सिखाने वाला हूं, और आई एम श्योर कि इसके जरिए जो है आपको सारी की सारी वेबसाइट जो है वो बहुत आसानी से आप जो है समझ सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, जिसमें जो है हमारा HTML5 जो है बेसिकली हमारे वेबसाइट को लेआउट देने का काम करता है, और अगर हम CSS की बात करें तो CSS जो है वो हमारी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के, यानी कि उसको डिजाइन करने के लिए, उसमें जो खूबसूरती भरने के लिए, जैसे कि हम बहुत सारी वेबसाइट्स देखते हैं तो वहां पे बहुत सारी वेबसाइट जो है बहुत अच्छे से कलर कोडिंग, कलर थीम्स वगैरह बहुत अच्छे से यूज करी जाती है, तो ये हम सारा का सारा जो है जो लेआउट्स डिजाइन करते हैं, किसी चीज को कैसा स्पेसिफिक लेआउट देना है, राइट, तो ये सारा काम जो है हम एक CSS के जरिए करते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है ये बेसिकली आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट के अंदर अगर कोई फंक्शनैलिटी डालनी है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई वेबसाइट हमारी डेस्कटॉप की ओपन हो रही है, तो वहां पे ऊपर मेन्यू बार जो है जिसको हम नेव बार बोलते हैं वो पूरा कंप्लीट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप उन वेबसाइट को मोबाइल के ऊपर ओपन करोगे तो वहां पे वो मेन्यू वैसे ही दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सारी चीजें जो है वैसे मोबाइल के अंदर स्क्रीन छोटी होती है, तो इसलिए सारी चीजों को डिस्प्ले करवा पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप सारी चीजों को डिस्प्ले वैसे ही करवाओगे तो आपके मोबाइल के अंदर विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, तो इन दैट के समय क्या करना पड़ता है, उसको जो है फिर वापस से ऐसे जूम करके जो है हमें देखना पड़ता है, तो ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, चाहे वो हमारी कोई स्क्रिप्ट है, तो अगर वो डेस्कटॉप के ऊपर ओपन हो रही है तो वो बड़े साइज में ओपन हो, उसमें सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित दिखें, और जब वो छोटे साइज यानी कि हमारे एंड्रॉइड फोन्स वगैरह में, स्मार्टफोन्स वगैरह में या आईपैड्स वगैरह में ओपन हो, तो वहां पे उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट जो है वो जूम करके ना देखना पड़े, तो ऐसे में हम जो है वहां पे जैसे करते हैं तो आपका जो मेन्यू है वो कोलैप्स होके 3 या 4 लाइन जो है बीच में आ जाती है एक आइकन पे, और जैसे ही आप उस आइकन पे क्लिक करते हो तो फिर एक ड्रॉप डाउन आता है, और उस ड्रॉप डाउन के अंदर जो है सारे मेन्यू हमें दिखते हैं, तो ये सारा जो काम है ये कैसे होता है, दैट ये आपका होता है जावास्क्रिप्ट के जरिए, ये होती है आपकी फंक्शनैलिटी। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी वेबसाइट पे फंक्शनैलिटी का काम करता है, तो ये हम सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स के दौरान, और फिर जब हम यहाँ पे HTML5, CSS और जावास्क्रिप्ट को जो है सीख जाएंगे, तो इसके बाद जो है मैं आप लोगों को बहुत आसानी से जो है हम अपनी वेबसाइट में ज्यादा, क्योंकि CSS में और HTML5 और जावास्क्रिप्ट का पूरा कंप्लीट एक साथ इस्तेमाल करके हम जो है अगर खुद की वेबसाइट बनाने बैठेंगे तो हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कोडिंग वगैरह बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको जो है बूटस्ट्रैप के जरिए वेबसाइट डिजाइन करना सिखाऊंगा, ताकि जो है आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके जो है ज्यादा कोडिंग आपको ना करनी पड़े, और CSS जो मैंने जावास्क्रिप्ट CSS जो आपको सिखाई है
उसका इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से उस बूटस्ट्रैप के साथ में अपने कलर कोडिंग अपने अकॉर्डिंग जो है वहां पे सारी चीजें जो है कर पाए, तो आप जो है पूरी फुल फ्लैज वेबसाइट जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की जो है वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पूरे कोर्स के दौरान मैं आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट जो है वो आपको मैं करके दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, तो बने रहिए इस पूरी वेब सीरीज के साथ में। तो आज जो है ये पहला सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हम जो है क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले इस पूरे वेब सीरीज के अंदर, और जो हमारा ब्लॉगिंग का चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, बीच बीच में जो है हमारा ये कॉन्टेंट भी आता रहेगा ताकि जो है आप अपने आप को जो है एक और नए लेवल पर जो है इस कोर्स के अंदर लेके जा सकें, क्योंकि मार्केट के अंदर आज की डेट में अगर कुछ चल रहा है तो वो ऑनलाइन ऑनलाइन एंड ऑनलाइन। तो आप भी ये पूरा कोर्स कंप्लीट सीखें और अपने आप को अपने नॉलेज को अपने प्रोडक्ट्स को अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन लेके जाएं। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें।